हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है साइना की दुनिया में। आज हम क्रिस्पी चिकन पकोड़ा बनाने जा रहे हैं, तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। ये देखिए, हमने बाउल में चिकन ले लिया है। चिकन को छोटे छोटे पीसों में कट कर लिया है। ये देखिए, हमारे कुछ मसाले हैं, नींबू है, नमक है, अदरक लहसुन का पेस्ट है और कॉर्नफ्लोर है। अब इस चिकन में हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और हमारे जो मसाले रखे हुए थे उन सबको भी ऐड कर लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से। अब इसमें हम एक कच्चा अंडा को भी ऐड कर लेंगे। फिर इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर यानी मक्के का आटा को भी ऐड कर लेंगे और फिर इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमारे मसाले, अदरक लहसुन, कॉर्नफ्लोर सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसे हम आधा घंटा के लिए मैरिनेट होने देते हैं। तो चलिए, हमारा पैन गरम हो गया है। अब इसमें हम रिफाइंड ऑयल ऐड करते हैं। ऑयल जैसे ही गरम होते ही चिकन के पीसेस को ऐड करते जाएंगे। दोस्तों, अगर आप सबको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि अगली रेसिपी आप सबको पहले देखने को मिले। तो इसी तरह से चिकन के पीसेस को चलाते रहिए जब तक कि ये अच्छी तरह से पक ना जाए और गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ये देखिए, चिकन पकौड़ा, क्रिस्पी चिकन पकौड़ा बनकर तैयार हो गया है। दोस्तों, अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर हिट कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।